Today our topic is about mitosis. So what is mitosis? It is the division process which we named mitosis, but meiosis is also a division process. तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले, जिससे हमें डिफरेंस पर चलेगा माइटोसिस का और मियोसिस का. टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इंश्योर्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल एज दैट इन द पेरेंट सेल. ये डिवीजन है ऐसे पेरेंट सेल की, किसी भी सेल की, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम वही के वही रह जाएंगे. यानी कि अगर एक सेल में हमारे पास 24 क्रोमोसोम हैं, तो जब डिवीजन होगी, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास अगर एक सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 24. एंड आफ्टर डिवीजन दो सेल बन जाएंगे, डिवाइड हो गया है, दो सेल बने हैं, अब डिवीजन हुई है, तो यहाँ पे 12 नहीं बल्कि 24 क्रोमोसोम ही डॉटर में जाएंगे. जबकि ये तो था हमारे पास माइटोसिस, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं सेम रहते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू दी डॉटर सेल. लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करें, तो मियोसिस में हमारे पास अगर एक सेल है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 24, तो आफ्टर मियोसिस के प्रोसेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, यानी कि रिड्यूस हो जाते हैं. जो दो हमारे पास सेल बनेंगे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास जो होंगे वो होंगे 12 एंड 12. तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, रिमेन सेम, उतने के उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है हमारे पास रह जाएंगे. अच्छा, यहाँ पर एक और टर्म भी आने वाली है कि मियोसिस किन सेल्स में होती है, माइटोसिस किन सेल्स में होती है. माइटोसिस का जो प्रोसेस है, ये एक सेल डिवीजन का ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में मौजूद तमाम टाइप के सेल्स में होती है. फिर चाहे वो हमारी स्किन है, हमारी बोन्स, हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स, इन सब की ग्रोथ जो है ये माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू हो रही है. हम अपने साइज़ में बड़े होते हैं, कद में लंबे होते हैं, हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारे नेल्स बढ़ते हैं, ये सब के सब किसकी वजह से है, माइटोसिस की वजह से. लेकिन जो मियोसिस का प्रोसेस है, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, प्लांट के अंदर. ये स्पोर्स फॉर्मेशन के दौरान और एनिमल्स के अंदर, इन एनिमल्स, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में, जैसा कि एग एंड स्पर्म की प्रोडक्शन के दौरान सिर्फ मियोसिस होती है, यानी कि मियोसिस बहुत थोड़ी होती है, जबकि माइटोसिस जो है मेनली सेल्स, तमाम सेल्स में हो रही होती है. अच्छा, एक दूसरा डिफरेंस जो आपने माइटोसिस का याद रखना है कि ये हैप्लॉइड सेल में भी होती है एंड डिप्लॉइड सेल्स में भी होती है. जबकि जो हमारे पास मियोसिस का प्रोसेस है, ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होगी. अब ये डिप्लॉइड क्या है, हैप्लॉइड क्या है, ये जो वर्ड है हैप्लॉइड, ये निकला है हाफ से, हाफ यानी कि जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हों. अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हों से क्या मुराद है, जैसे यहाँ पे हमने 24 क्रोमोसोम्स लिए एक सेल में, तो इसका हाफ क्या होगा, 12. तो ऐसे सेल जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 12 हैं, ये माइटोसिस वहाँ भी होगी. और डिप्लॉयड का मतलब है 2, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, डबल है, तो 12 का डबल क्या है, 24. तो वो सेल जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 24 हैं, उनमें भी माइटोसिस का प्रोसेस होता है. जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12 हैं, उनके अंदर भी माइटोसिस का प्रोसेस होता है. जबकि मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होता है, यानी कि जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑलरेडी डबल होंगे, 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल 24 लिया है, ह्यूमन में वैसे 46 क्रोमोसोम्स एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिप्लॉयड सेल है. और ये 23 पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. 23 पेयर से मुराद अब क्या है, 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर्स अगर मैं बोल दूं, तो ये एक ही बात है.
तो डिप्लॉइड सेल में सिर्फ मियोसिस ही होगी, जबकि माइटोसिस का प्रोसेस जो है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों टाइप ऑफ सेल्स में हो सकता है। ये किसी भी एनिमल या प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस का प्रोसेस होता रहता है। तो ये दो टर्म्स हमने देख ली हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अब यहाँ पे एक बात आ रही है वो यही कि माइटोसिस कैन टेक प्लेस इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स बोथ, दोनों में ये हो जाती है। ये माइटोसिस प्लांट और एनिमल सेल में बिल्कुल एक जैसी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस इनमें आता है और ये डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल की ऑर्गेनाइज बेस्ड डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? सिमिलर इन प्लांट एंड एनिमल सेल बट स्लाइट डिफरेंस। डिफरेंस क्या क्या है जी? वैक्यूल का डिफरेंस, ये प्लांट में है, एनिमल में सेंट्रल वैक्यूल नहीं है, छोटे मोटे वैक्यूल साइड पे होते हैं लेकिन सेंट्रल मेन लार्ज वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं होता। सेकंड, सेल वॉल, सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल बट नॉट इन द एनिमल सेल। थर्ड, लैक विजिबल सेंट्रियोल, जो हायर प्लांट्स हैं उनके सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते। ये सेंट्रियोल्स क्या हैं? ये एक ऑर्गेनेली का नेम है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई है। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं हमारे पास, ये मिलकर सेंट्रियोल्स बनाती हैं। फोर्थ, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? फ्रेगमोप्लास्ट इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या है? जो प्लांट सेल है ड्यूरिंग सेल साइकिल और माइटोसिस, फ्रेगमोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर का नया नेम है। फ्रेगमोप्लास्ट इज़ अ स्ट्रक्चर, किस चीज़ का बना हुआ होता है? ये गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेली जो प्लांट में और एनिमल में दोनों में होती है, लेकिन ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ द प्लांट सेल सिर्फ फ्रेगमोप्लास्ट प्लांट सेल में ही बनता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कुछ वेसिकल्स आते हैं जिनमें कुछ मटेरियल मौजूद होता है। तो वो मटेरियल जो है प्लांट सेल के बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन में, अगर मैं यहाँ पे ये एक प्लांट सेल बना दूँ तो यहाँ पे इस एरिया में इस तरह से गोल्जी ऑपरेटस के वेसिकल्स जो हैं आके हमारे पास मिल जाते हैं। तो ये जो एरिया है हमारे पास, ये जो एरिया है इसी को कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट। तो इसमें जो पी एच है इसकी साउंड आपने एफ वाली देनी है, फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास माइटोसिस की मेन दो डिवीजंस या फेजेस आ रही हैं। फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड इज़ दी साइटोकाइनेसिस। द वर्ड कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस, कैरियो मींस न्यूक्लियस, काइनेसिस डिवीजन पार्टीशन। तो डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। साइटो मींस यहाँ पर लव, जो साइटो है ये साइटोप्लाज्म नहीं बल्कि सेल के लिए लिया गया है। सो साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द होल सेल नॉट ओनली द साइटोप्लाज्म। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देती हूँ। सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये एक बहुत बड़ा सा सेल मौजूद है। इस सेल में हमारे पास ये है न्यूक्लियस जिसमें हमारे पास ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। मैं दो ही दिखा रही हूँ क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है हमारे अंदर। ह्यूमन सेल में वैसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर डिवीजन इसकी हो रही है, ये हो गई है जो डिवीजन, तो ये है कैरियोकाइनेसिस। और अगर पूरे सेल की डिवीजन हो गई है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस समेत दोनों की, तो हमारे पास ये कहलाएगी साइटोकाइनेसिस। तो ये हमारे पास दो सेल्स बन जाएंगे इस तरह से। ओके, ये तो हमने देख लिया कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब एक चीज़ का डिफरेंस या आपको इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी ज़रूरी है, वो ये कि ये जो मैंने अभी एक स्ट्रक्चर बनाया है ये है क्रोमाटिड, क्रोमाटिड। एंड इसी के साथ एक और क्रोमाटिड अगर सेंट्रल पोजीशन या किसी भी एक पोजीशन पर अटैच हो और दो क्रोमाटिड मिल जाएं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। तो ये हमारे पास है क्रोमोसोम जो दो सिस्टर क्रोमाटिड के मिलने से बना है। अगर एक और क्रोमोसोम मैं यहाँ पे बना देती हूँ तो ये भी दो क्रोमाटिड के मिलने से बना है, और ये जो क्रोमोसोम जो हमने पहले बनाया है ये भी दो क्रोमाटिड के मिलने से बना है। ये जो दो, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमाटिड्स हैं, इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स। क्या कहते हैं?
सिस्टर क्रोमाटिड्स, और दो अलग अलग क्रोमोसोम की जो क्रोमाटिड है, सपोज ये और यहाँ इस सेकंड क्रोमोसोम का ये पार्ट, ये आपस में लगती हैं जी नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, बिल्कुल सिस्टर क्रोमाटिड के आगे आप लगा देते हैं नॉन, तो ये बन जाती हैं नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, ये क्रोमाटिड और ये क्रोमाटिड। ठीक, ये तो क्रोमोसोम हमने देख लिया, क्रोमाटिड क्या होता है ये भी देख लिया, दो क्रोमाटिड्स मिलके क्रोमोसोम बनाती हैं, एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमाटिड आपस में सिस्टर क्रोमाटिड, जबकि दो मुख्तलिफ क्रोमोसोम के क्रोमाटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कहलाती हैं। तो एक ही क्रोमोसोम में दो क्रोमाटिड्स अटैच होती हैं किसी सेंट्रल ज़रूरी नहीं है किसी भी पोजीशन पे। तो यहाँ पे मैं फिर से बना रही हूँ एक क्रोमोसोम, आप देख रहे हैं कि ये इस जगह से दोनों क्रोमाटिड्स जो हैं अटैच हैं, तो ये कौन सा एरिया है, इस एरिया को कहते हैं सेंट्रोमियर, क्या कहते हैं सेंट्रोमियर, यानी कि सेंट्रल पोजीशन ऐसी जहाँ पे दो क्रोमेटिड्स आपस में अटैच हों उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर पोजीशन पे ऐसा क्या है जो दो क्रोमेटिड्स को जोड़ती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, यहाँ पे मैं फिर से एक बना रही हूँ क्रोमोसोम, ये है हमारे पास सेंट्रोमियर, इस सेंट्रोमियर एरिया में एक होती है स्पेशल प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर प्रोटीन, काइनेटोकोर प्रोटीन। तो ये प्रोटीन ऐसी ख़ास प्रोटीन है जो दो क्रोमाटिड्स को, जो दो सिस्टर क्रोमाटिड्स को आपस में जोड़ती है, सिस्टर क्रोमाटिड्स को आपस में जोड़ती है। ओके, अब ये सिर्फ ना तो सिस्टर क्रोमाटिड्स को जोड़ती है बल्कि इसके पास आने वाली कोई भी स्पिंडल या फाइबर जो आएगी उसको भी आपस में अटैच कर लेगी। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए होगा क्रोमोसोम क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड क्या है एंड सेंट्रोमियर क्या है। तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कैरियोकाइनेसिस को, यानी कि डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस को, इसमें क्या क्या होता है, सेपरेशन होती है एंड पार्टीशन एंड माइग्रेशन, तीन चीज़ें हो रही हैं, सेपरेशन पार्टीशन एंड सॉरी टू दो चीज़ें हो रही हैं, सेपरेशन या पार्टीशन एंड माइग्रेशन ऑफ द सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल्स फिर से वही ऑर्गेनेली का जिक्र आ रहा है जो कि सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनी हुई ऑर्गेनेलीज होती हैं जो डिवीजन ऑफ द सेल में हिस्सा लेती हैं, टेक प्लेस एट द ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस, दैट क्रिएट्स द बाइपोलैरिटी, दैट क्रिएट्स द बाइपोलैरिटी। ओके जी, अब यहाँ पर ये है हमारे पास एक सेल, ये आ गया है जी हमारे पास एक सेल जिसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियस और हम यहाँ पे दो क्रोमोसोम भी बना देते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक सेंट्रियोल जो है ये मैंने ये दिखा दिया, एक सेंट्रियोल यहाँ पर है और ऐसा ही एक सेंट्रियोल जो है न्यूक्लियस की दूसरी जानिब और पहले सेंट्रियोल से ऑपोजिट पोजीशन पे, यानी कि अगर वो राइट पे तो ये लेफ्ट पे और अगर वो ऊपर है तो ये नीचे, इस तरह से अपनी पोजीशन ले लेते हैं। ये एक पेयर यहाँ पे आ जाता है और दूसरा पेयर यहाँ पे, यानी कि चार टोटल सेंट्रियोल्स बन जाते हैं। ये पेयरिंग इनकी कब हुई, बेसिकली सेल के अंदर एक पेयर मौजूद होता है जब सेल डिवीजन की फेज़ में एंटर होने लगता है, तो ड्यूरिंग इंटरफेज इन सेंट्रियोल्स की रेप्लिकेशन होती है, ये डबल इन नंबर होती है, यानी कि पहले अगर एक पेयर में मौजूद है तो थोड़ी देर बाद ये दो पेयर्स मौजूद होंगे, यानी कि अगर पहले दो मौजूद हैं तो अब कितने होंगे, टू पेयर से हमारा चार सेंट्रियोल्स मौजूद हैं, ये एक हो गया और ये हमारे पास दूसरा, आम तौर पे एक ही दिखाया जाता है ताकि कन्फ्यूजन कम से कम हो सके बच्चों के माइंड में। तो ये है बाइपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी पोलैरिटी का मतलब, बाइपोलैरिटी बाई मीन्स टू, पोलैरिटी पोलैरिटी का मतलब होता है ऑपोजिट साइड, पोल्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसको कहते हैं पोलैरिटी, यानी कि दो अलग अलग जानिब की तरफ आ जाना, इसका मतलब है पोलैरिटी आ गई है, तो इसी को हम कहते हैं बाइपोलैरिटी। ठीक है, ये है सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रियोल्स जो हमें पता है माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई हैं, अब इनमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैं अगर एक सेल बना रही हूँ, ये लें जी एक बड़ा सारा सेल बना दिया है,
ताकि आपको नज़र आ सके सही से कि होने क्या जा रहा है। ये है हमारे पास एक सेंट्रियोल, ये है सेकंड सेंट्रियोल, हम बना लेते हैं। अब इनसे माइक्रोटिब्यूल्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। माइक्रोटिब्यूल्स किस तरह से निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, न्यूक्लियस से ऑपोजिट की साइड पे, छोटी छोटी सी पहले, फिर उसके बाद निकलेंगी ऊपर की तरफ, जो किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होंगी, बस आपस में इंटरमिंगल्ड होंगी। इंटरमिंगल्ड से मुराद है ये इस तरह, जैसे ये उंगलियाँ होती हैं, ये इस तरह से हो जाएंगी, ये लॉक हो जाएंगी आपस में। ओके, ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, यहाँ से जी ये आ गई हैं हमारे पास माइक्रोट्यूब। पहली वो माइक्रोट्यूब्स निकली जो बाहर की तरफ जा रही हैं, दूसरी वो निकली हैं जो किसी चीज़ से अटैच नहीं है, बस आपस में एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, यानी कि फंस गई हैं। यहाँ पे अंदर हमारे पास न्यूक्लियस में है क्रोमोसोम मौजूद। और तीसरी टाइप की स्पिंडल जो जाएंगी वो सेल के अंदर क्रोमोसोम की तरफ जाएंगी, और जहाँ पे हमारे पास है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर यहाँ जहाँ पे हमारे पास सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद है, उस तरफ जाके वहाँ पे हो जाएंगी जी अटैच। ये देखें, तो एक तो हमारे पास ये निकलाई माइक्रोट्यूब्स, इनको कहते हैं एस्ट्रल, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक। सेकंड हमारे पास वो जो कहीं से भी अटैच नहीं हुई, लेकिन वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या साउथ की तरफ, यानी कि दो साइड्स पर पोलर एरिया में मौजूद हैं, तो उनको कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक। थर्ड टाइप की वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो सेंट्रियोल से निकल के क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर प्रोटीन पे जाके अटैच होगी, जैसे ये, इसको हम फिर क्या कहते हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, या फिर स्पिंडल्स भी, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स या काइनेटोकोर स्पिंडल्स, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल और एस्ट्रल स्पिंडल, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल या पोलर स्पिंडल्स। तो यही मैंने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, ये बातें लिखी हुई हैं, और जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी उसको, इस पूरे एरिया को, ये अब आप देख रहे हैं जाल की फॉर्म में बन गया, इस तरह से ये जाल की फॉर्म में बना हुआ है, एक बॉल बन गई है। तो इस स्ट्रक्चर को, ये जो मैंने यहाँ पर बनाई है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, माइटोटिक अपरेटस कहते हैं।